जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स एक और वीडियो लेके आप लोग के साथ दोबारा आ गया जैसा कि मैंने बोला था आज थोड़ा टाइम है तो आई थॉट कि एक दो वीडियो बनाता हूँ तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करूँगा वेब थ्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर uh, प्रोवाइडर्स हैं जो टूल्स प्रोवाइड करते हैं जो अलग अलग स्केलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो स्पेस को इन्हैंस कर रहे हैं मतलब कि जो बैकेंड में काम करती है जो टेक्नोलॉजी जो हम एप्स यूज़ करते हैं जो यू हम यूज़ करते हैं जो हमारा मतलब फ्रंट एंड होता है उसके पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है अलग अलग uh, से स्टोरेज है कंप्यूट है डेटा uh, बेस है तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ और कहीं ना कहीं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो है वो सेक्युलर बेट होता है ऑन ऑल दी यूज केसेस ऑन ऑल दी नैरेटिव्स चाहे वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो चाहे वो एनएफटी गेमिंग हो चाहे वो एआई हो सबको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है सबको टूल्स की जरूरत होती है तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप सॉलिड वेब थ्री इंफ्रा में रहते हो जो अलग अलग ब्लॉकचेन को स्केल करते हैं अलग अलग टूल्स देते हैं तो मैंने अगर मेरे को आप टेलीग्राम पे मेरे से जुड़े हो तो दो तीन महीने पहले अक्टूबर नवंबर में ही मैंने बोला था चार महीने पहले पाँच महीने कि मेरा जो अगले बुलरन में जो मेरा मेन होल्डिंग होगा पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट होल्डिंग मैं इंफ्रा में रखूंगा क्यों क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है मतलब एक मॉडरेट टू अल्ट्रा हाई रिवॉर्ड है उस वाले सेगमेंट में और उसके बाद ए आई के का जब बूम आने लगा और मुझे लगता है ए आई का बूम अगला जो रन है वो ए आई का बहुत भयंकर होगा और इवन अगला जो डेकेड है वो ए आई का होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो ये भी कहीं कही ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मेरे को वेब थ्री इन्फ्रा की तरफ पुश कर रहा है तो फ्रेंड्स बिना देरी किए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर को मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये मार्केट जब गेन होता है तो कोई नहीं बोलता बट 10 20 30 परसेंट का कट आता है तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और फिर गाली गलौज शुरू कर देते तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी टोकन में अगर मैं बोलता हूं कि इसमें 10 बीस पचास एक्स का पोटेंशियल है दैट डजेंट मीन कि आप ऑल इन चले जाओ और फिर वो 50 परसेंट गिर जाता है तो यू स्टार्ट पैनिकिंग और ऐसा आप कई बार देखने को मिला है इवन देखो मेरा क्या है आई नो माई रिस्क मैनेजमेंट मेरा बैकअप क्या है आई नो दैट परपेचुअल में सबसे ज़्यादा गया था दैट वॉज ट्वेंटी तो ट्वेंटी का एक बार था और मैंने अपनी कहीं ना कहीं और मेरा वो कॉल सही था और जब भी मैं बड़ा जाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोलूंगा सेवेंटी परसेंट ऑफ द टाइम मैं राइट ही होता हूँ बट दैट डजेंट मीन कि इसकी कोई गारंटी है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है एलोकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है इस पर प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान दो किसी में भी ऑल इन ऐसे हाथ आँख उठा के मजो अब इसलिए मैंने लिया देखो एटी नाइन्टी परसेंट गिर गया अब मैं ऑल इन जाता तो मैं रेक्ट हो जाता बुरी तरीके से स्लिज़ का जो अभी देखो एक्सपेरिमेंटल था उसमें मैंने एलपी डाला है हालांकि 90 परसेंट का लॉस दिखा रहा है बट मेरे को लग रहा है सेवेंटी परसेंट का होगा मेरा मेरे को दोबारा देखो क्योंकि एलपी डाला है तो उसमें एलपी में थोड़ा सा वो गिरने का जो स्पीड है वो कम है क्योंकि आधा ही में आधा बट स्टिल देखो एग्जाम्पल क्योंकि देखो मैं ऐसा नहीं कोई प्रॉफिट हुआ वो दिखाऊंगा लॉस भी होते हैं देखो मेरा स्टाइल ही ऐसा है कि मैं जेम्स को ढूंढना तो कोई भी स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनोवेशन को इनोवेशन के पीछे ना जाऊँ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को ना ढूँढूँ क्योंकि मेरा वो स्टाइल है नई नई चीज़ों को ढूंढना 2016 में इथेरियम के बारे में कोई बात नहीं करता था उस टाइम बीटीसी था इथेरियम को लोग स्कैम बोलते थे तब मेरे को लगा था कि नहीं ये एक नई टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये बिटकॉइन से एडवांस है तो वो इनोवेशन था अगर वहाँ पे मैं डरता तो फिर मैं इथेरियम को नहीं समझ पाता तो देखो मेरा स्टाइल है ढूंढना और वहाँ पे रिस्क भी भरपूर होता है तो इसलिए देखो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ समझो लेकिन आज का जो वीडियो है कहीं कही ना कहीं एक मॉडरेट रिस्क का वीडियो है यहाँ पर लॉस होने के चांसेस मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत कम है और वे, वे, वेब थ्री जो है मैंने कई बार बोला है कि वेब थ्री इंफ्रा जो है वो कहीं कही ना कहीं पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग सब्जी जो बनाते हैं उसके अंदर आलू का जो रोल है वही वेब थ्री इंफ्रा का रोल है कोई भी सब्जी बना लो आलू की ज़रूरत होती है तो आज बात करते हैं पांच सॉलिड वेथ्री इंफ्रास्ट्रक्चर ए आई इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बोलना है यू कैन से दैट देखो ये ऑर्डर में कुछ भी नहीं है मैं ये नहीं बोलूँ कि मेरा नंबर वन है मतलब ऐसे मैं रेंडमली पांच टोकन बता रहा हूँ पहला जो टोकन है वो ग्राफ है ग्राफ को मैंने कई बार रिकमेंड किया है अभी बॉटम पे भी मैंने लोगों को बाई करवाया था आठ नौ सेंट के आसपास आठ सेंट पाँच सेंट छः सेंट पे भी बाई किया था हालाँकि तीन चार सेंट का मैं वेट कर रहा था बट वहाँ तक नहीं आया बट स्टिल मेरे को लग रहा है इसका बॉटम हो चुका है ग्राफ का ज़्यादा ज़्यादा होगा फिर बीस 30 परसेंट का करेक्शन हो सकता है बट इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ए का जो हाइप है उसमें इसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा डेटा जो है इंडेक्सिंग है क्वेरिंग है अलग अलग डेटा सेट्स प्रोवाइड करता है डेटा फीड है तो ए का जो मॉडल है उस मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है उस डेटा को प्रोसेस करके ही वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है और ब्लॉक का जो डेटा है ब्लॉक डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है एक ग्राफ है अनमार्शल है चेन लिंक है वो डेटा फीडिंग में अगेन दैट इज दैट ऑल्सो बिलोंग टू दी दिस कैटेगरी डेटा बेस एक ओशन प्रोटोकॉल भी है उसको भी आप देख सकते हो लेकिन मैं पाँच को मैं थोड़ा सा मतलब मेरा हमेशा से ये मानना है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने से मतलब प्रॉब्लम uh, होती है मुझे पर्सनली अगर पचास कॉइन हो गए तीस कॉइन हो गए तो फिर ना वो रिसर्च नहीं पता फिर टाइम टू टाइम अपडेट लेना क्या करना है तो इसलिए बहुत ज़्यादा टोकन रखना मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता बाकी ओशन आई लाइक तो ग्राफ जो है वो नया हाई बना सकता है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है यानी कि अगर यहाँ से ये अगर, अगर अपने पुराने ऑल टाइम हाई को भी टच करता है तो तेईस गुना का यहाँ से पोटेंशियल है टू पॉइंट एट फोर डिवाइडेड बाई ज़ीरो पॉइंट वन टू सिक्स ही कर देता हूँ लेकिन बाईस तेईस गुना का पोटेंशियल है और वहाँ पर वो बीस बाईस बिलियन का मार्केट कैप होगा जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि अगला जो uh, रन है उसमें मैंने बताया पाँच ट्रिलियन तो जाएगा ही मार्केट उससे ऊपर भी जा सकता है और टॉप ट्वेंटी में कई टोकन्स होंगे हंड्रेड बिलियंस के होंगे और जो क्वालिटी मिड कैप जो एक दो बिलियन के आसपास है उनमें भी कई प्रोजेक्ट्स होंगे जो बीस पच्चीस पचास बिलियन भी इवेंट जा सकते हैं तो ग्राफ एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ब्लू चिप है इन इट्स नीश बैकर्स बहुत तगड़े इन्वेस्टर बहुत तगड़े टीम बहुत स्मार्ट तो इसमें देखो ऐसा कुछ है नहीं बुरा कि मैं बोलूँ और इसका आई सी आई प्राइस में, में देख रहा था वहाँ उसके आसपास आ गया है एक बार क्विकली चेक भी कर लेते हैं आप ये देख सकते हो इसका टोकन सॉफ्ट पे हुआ था 2020 में तीन सेंट पे आई प्राइवेट सेल थी वो भी तीन सेंट के आसपास हुआ और पाँच सेंट का लो लगाया था तो कहीं ना कहीं यार वहाँ पे एक मेरे को डाइन डाउन साइड कैप्ट दिख रहा है आ, प्राइवेट ये हुआ था आई थिंक पता नहीं कभी जीरो पॉइंट वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है साढ़े सात मिलियन ही रेस किया है वहाँ पर उसके बाद पाँच मिलियन रेस किया है तो आई और प्राइवेट सेल टू को अगर हम देखें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है और डाउन साइड भी मेरे को कहीं ना कहीं तीन चार सेंट एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई इतना बड़ा क्रैश आ जाए बी टी चला जाए तो तीन चार सेंट जा सकता है बाकी मुझे पर्सनली नहीं लगता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर चाहे तो पार्ट्स में यहाँ भी बाई कर सकते हैं मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को भी कि कहाँ पर लो क्योंकि मैं लोगों को बताता हूँ और वहां से 50 परसेंट तीस परसेंट गिर जाए तो फिर प्रॉब्लम मैं आपको एक वैल्यूएशन बता सकता हूँ कि ये दो ढाई डॉलर जा सकता है पंद्रह बीस बिलियन जा सकता है दस बारह बिलियन तो जा मतलब दस एक्स का पोटेंशियल तो मिनिमम है ही और कोई भी टोकन देखो दस एक्स मिनिमम नहीं है तो फिर इन्वेस्ट करना बेकार है क्योंकि बी टी सी थेरियम पांच छह गुना सात गुना यहाँ से सेफ साइड में हो जाएंगे तो क्यों मैं रिस्क लू तो दस पंद्रह गुना तो मिनिमम का मेरा बेंचमार्क है तो मैं आपको वैल्यूएशन बता सकता हूँ पंद्रह बीस मिलियन का बिलियन का वैल्यूएशन ये ले सकता है अगले बुलर में आपको कहाँ लेना है इट्स अप टू यू आप अगर टाइम कर सकते हो आपके पास कोई क्रिस्टल बॉल है जो आपको पता है कि बिटकॉइन को दस हज़ार जाएगा और उस दिन का आप वेट करो और तीन सेंट पर ले लो तो आपको अच्छा फिर मिल सकता है सौ दो सौ पाँच सौ गुना तो इट्स अप टू यू कब लेना है ये मैं नहीं बता सकता अगला टोकन जो है वो है फ़ाइल फ़ाइल पर मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ मैंने सौ बार बोला है और लगातार बोल रहा हूँ मैंने तीन चार डॉलर पे भी मेरा प्लान था ग्रुप में कईयों ने लिया ढाई डॉलर भी गया था मैंने अभी नहीं लिया मैं लूँगा मेरे को भी इसको डालना है पोर्टफोलियो में बट ये बहुत ही अच्छा टोकन है ये अगेन स्टोरेज में है और इसका जो एम्बिशन uh, है वो बहुत ह्यूज है ये इवन ए डब्ल्यू जैसा uh, इसको मतलब वेब uh, थ्री का ए बनेगा और इवन इसमें मेरे को इतना कोई डाउट भी नहीं है टीम वेम सुपर सॉलिड है बैकर सुपर सॉलिड है पाँच डॉलर का इसका आई था चार पाँच डॉलर के आसपास बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है और इसका टोकनॉमिक्स को लेके लोगों में एक भय रहता है कि यार इसके ना बहुत ज़्यादा टोकन आने हैं तो मैंने इसका कैलकुलेशन किया है और टेलीग्राम अपडेट भी किया था 25-26 तक इसके जो टोकन्स होंगे मैक्सिमम 500 से 600 मिलियन होंगे क्योंकि इसमें बर्निंग मैकेनिज्म है और इसका यूसेज के ऊपर है जैसे जैसे यूसेज बढ़ेगा वैसे वैसे टोकन्स की डिमांड बढ़ेगी मैंने जो कैलकुलेशन किया है सारे टोकन्स को आने में कम से कम पच्चीस साल का वक्त लगेगा जो कि बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से मान लो चार मिलियन है पचास का और इंक्रीमेंट हो सकता है सर्कुलेटिंग सप्लाई में और मार्केट कैप देखो 50 बिलियन मेरे को पर्सनली लगता है कि फिफ्टी टू हंड्रेड बिलियन के बीच में कहीं ना कहीं ये जाएगा दो बिलियन है आ, ये इसका मार्केट कैप तो मेरे को मतलब सौ डॉलर एक फेयर टारगेट इसका दिखता है कि कम से कम आना चाहिए यानी कि बीस एक्स का पोटेंशियल यहाँ भी है इवन ज़्यादा भी जा सकता है दैट इज माई कंजर्वेटिव टारगेट और वेब थ्री इंफ्रा में स्टोरेज का इसका आईपीएफएस इसी की टेक्नोलॉजी है तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका वर्चुअल मशीन भी लॉन्च होना है आई थिंक इस मंथ तो इसको रेडार पे रखो आप पार्ट में देख सकते हो बाई कर सकते हो कितने पे बाई करना है मैं नहीं बता सकता इट्स अप टू यू अब बात करते हैं तीसरे टोकन की वेब थ्री इंफ्रा का बहुत ही ज़बरदस्त टोकन ये है रेंडर आकाश का क्लोजेस्ट पेयर है ये ये दोनों ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में हैं ये दोनों टोकन और दोनों पर मैं बोल रिश रेंडर क्या हैवी वेट है एक मैं बोल ब्लू चिप है अपने नीच में रेंडरिंग के अंदर जो ए का जो मॉडल है जैसे एन एफ आप क्रिएट करते हो या कोई ग्राफिक क्रिएट करते हो या वीडियोस बनाते हो ज़्यादातर मूवीज़ में भी इसका काफ़ी यूज़ है और डिज्नी वाले भी हैं इसके अंदर एडवाइजर तो उसको प्रोसेस करने में रेंडर करने में मतलब कई दिनों का टाइम लगता है उसको ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है और एआई में भी काफ़ी उसका डिमांड बढ़ सकता है आ, आ, इस टेक्नोलॉजी की तो 80-90 परसेंट टाइम भी रिड्यूस करता है और प्राइस भी रिड्यूस करता है और एप्पल के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है और एप्पल ने कमिट किया है कि इसके पता नहीं कुछ मिलियंस ऑफ डिवाइस पे रेंडरिंग जो है वो रेंडर के थ्रू होगा और टोकन का क्लियर कट यूज़ केस है और ये जितने भी टोकन मैं कवर कर रहा हूँ ये रियल यूटिलिटी है ऐसा नहीं है कि ये कोई गवर्नेंस टोकन है इन टोकन्स के बिना ये प्लेटफॉर्म जो है वो फंक्शनल नहीं होंगे तो रेंडर टोकन चाहिए होता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए तो इसके बारे में डिटेल वीडियो भी इन सब में अलग अलग मैं लेके आऊँगा जैसा भी टाइम मिलता है बट आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा आप खुद रिसर्च करो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी रेंडर का मैं देख रहा था इसके भी इन्वेस्टर्स अच्छे हैं 35 36 मिलियन इसने भी आई थिंक रेज़ किया है इफ एम नॉट मिस्टेक इन और काफ़ी पहले रेज़ किया है और 35 40 सेंट का इसने लो लगाया था इस वाले डाउन साइड में अगर हम देखें 180 दिन का इसका चार्ट तो वही पैंतीस चालीस सेंट से सीधे ये दो डॉलर लगा के गया था कुछ गूगल के साथ भी इसकी पार्टनरशिप हुई है और वहाँ से फिफ्टी परसेंट का कट देखने को मिला है मैं पर्सनली देख रहा हूँ कैसे करना है मैं भी अस्सी सेंट के आसपास एक डॉलर का ये भी कोई बुरा भाव नहीं है अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कितने पर लेना है अगर मेरे से आप इसका फेयर वैल्यूएशन पूछोगे तो देखो तो इस तो तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये प्रोसेसिंग पावर आपको तो देते हैं अलग अलग जो आइडल स्पेसेस हैं जैसे डेटा सेंटर्स के स्पेसेस हैं चाहे वैसे इंडिविजुअल के स्पेसेस हैं उनको ये लोग इकट्ठा करके और फिर एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह की जो कंपनीज अगर आप वेब टू में जाओ तो ए डब्ल्यू एस है एनवीडिया है जो चिपसेट इस तरह का प्रोसेसर प्रोवाइड करती है मैं यही कर वैसा ही बिल्कुल काम है रेप्लीकेट करता है बट अगर मैं थोड़ा सा मतलब आसपास पास देखूँ तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं एनवीडिया 600 बिलियन का मार्केट कैप लेके चलती है ए का पता नहीं ट्रिलियंस में अमेज़ोन का मार्केट शेयर है जिसमें ए का आई थिंक पचास जो है डोमिनेंस है अमेज़ोन का बिज़नेस के अंदर बिजनेस में ए का तो इस तरह का टेक्नोलॉजी है और ये वेब टू को रेप्लीकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे वेब थ्री के अंदर तो मुझे पर्सनली लगता है कि देखो 600 मिलियन का इसका अपना वो है क्या बोलते हैं फुल्ली रेलटेड वैल्यूएशन 20 मिलियन जाना कोई बोलना अतिशोक्ति नहीं है यानी कि 20-25 डॉलर जाना आई थिंक इज़ क्वाइट डुएबल तो ट्वेंटी एक्स का पोटेंशियल मिनिमम है बाकी देखो बुल्डन में यूफोरिया होता है लोगों लोग वैल्यूएशन को नाले में फेंक देते हैं उठा के जब चीज़ें चलने लगती है तो बहुत ही ऊपर चली जाती है तो कुछ भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं फिफ्टी बिलियन का भी वैल्यूएशन हो जाए कुछ भी हो जाए ये पहुँच जाए पचास डॉलर यू नेवर नो सौ डॉलर बट एक फेयर वैल्यूएशन अगर आप मेरे से पूछोगे पर्सनली तो मेरे को लगता है बीस से तीस डॉलर का इसका वैल्यूएशन मेरे को लगता है इन नेक्स्ट बुलडन तीन टोकन हो गए चौथा जो टोकन है वन ऑफ माई फेवरेट ए के टी अगेन स्मॉल कैप है थोड़ा रिस्क है इसमें ज़्यादा रेंडर से रेंडर में रिस्क इसके मुकाबले कम है बट यहाँ पे मल्टीप्लायर भी बहुत ज़्यादा है इसका 122, 142 मिलियन का फुली uh, वैल्यूटेड है अब मैं फुली रेलुटेड ही देखना चाहिए बेयर मार्केट में और रेंडर का अगर हम देखें एफ डी बी एफ डी वी तो इसका है चार सौ पाँच छः सौ मिलियन तो कहीं ना कहीं आकाश यहाँ से चार पाँच गुना होगा तो रेंडर के वहाँ पर पहुँचेगा जी का ये मार्केट प्लेस पर इनका मेन फोकस है एआई यूज़ केसेस पे ये मेन फोकस कर रहे हैं और जो फाउंडर है वो काफ़ी विजनरी और काफ़ी एक्टिव है ग्रेग तो uh, मुझे पर्सनल जो कॉस्मॉस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं एटी परसेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो uh, इसका क्लाउड यूज़ कर रहे हैं इस पर डिप्लॉयड हैं आकाश की टेक्नोलॉजी पे तो uh, आकाश का एक्सेप्टेंस uh, भी मिल रहा है एडॉपशन भी मिल रहा है तो मैंने इसका एक अभी डाला था ट्वीट भी तो मुझे ऐसा लगता है कि दस बारह डॉलर जाना कोई बड़ी बात नहीं है मिनिमम बाकी आ, कहीं भी जा सकता है ट्वेंटी डॉलर भी जा सकता है इवन अगर हम टेन डॉलर की बात करें यहाँ से टेन डॉलर डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट थ्री सिक्स थ्री सेवन तो सत्ताईस एक्स होता है टेन डॉलर जाने के लिए इसको वन पॉइंट फोर बिलियन ही जाना है और मेरे को पर्सनली लगता है कि थ्री टू फाइव बिलियन इसका मार्केट कैप हो सकता है थ्री बिलियन अगर जाता है इसका मार्केट का तो पचास एक्स का पोटेंशियल है यहाँ से मैंने अट्ठारह सेंट पे पहली बाइंग करी थी फिर बीस पच्चीस सेंट पे भी बाई किया था एवरेज तेईस सेंट का था फिर मैंने फिफ्टी सेंट के आसपास अपना कॉस्ट निकाला फिर दोबारा चालीस पैंतालीस पचास पे फिर बाई किया अभी थोड़ा मेरा एवरेज जो है वो बत्तीस सेंट के आसपास आ गया है तो अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ इतना मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ आकाश में प्योर टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ इसके अंडरलाइन टेक्नोलॉजी इनकी ब्रिलियंट है चाहे रेंडर है चाहे आकाश है तो पैनिक का मेरे को कोई स्पेकुलेटिव नहीं है ये कि शिबा है या इस तरह का हाइप वाला प्रोजेक्ट है ये अपने टाइम से चलेंगे धीरे धीरे सब ऊपर जाएंगे इनका जी पी मार्केट प्लेस लॉन्च हो रहा है जी का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ए के अंदर तो और कॉस्ट भी काफी ज्यादा रिड्यूस्ड है सत्तर अस्सी परसेंट रिड्यूस्ड कॉस्ट पे ये अपना सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और आकाश में अगेन आकाश का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है ए के टी चाहिए होगा टू सेल टू परचेज एंड सेल ऑल दी कंप्यूट ऑन इट्स नेटवर्क और अगर आप फी में भी करते हो तो अगेन वो फिर ए के टी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑस्मोसिस को यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं डिमांड बर्निंग का भी मैकेनिज्म है फाइल में भी बर्निंग का मैकेनिज्म है इसमें भी है और आई थिंक रेंडर में भी है जैसा जैसा यूसेज होगा उसके ऊपर है बट इन सारे टोकन्स का सबसे अच्छी बात है ये प्योर यूटिलिटी टोकन है आकाश uh, का जो प्राइवेट सेल था आई थिंक पंद्रह सोलह सेंट का था आई भी क्विकली चेक कर लेते हैं ताकि का पता रहे अब अगर इसका हम देखें तो टोकन सेल के प्राइस से भी 50 परसेंट ये डाउन पे है आई से भी ऑलमोस्ट बराबर है तो और प्राइवेट सेल जो मैंने चेक किया था इनके साथ वो था 15-16 सेंट का ये वाला जो सब इस ये पहला प्राइवेट था उसके बाद एक और प्राइवेट हुआ जो मैंने मैंने पूछा था इसमें दो ही मिलियन रेज किया है तो कहीं ना कहीं डाउन जो इसने लो लगाया था पंद्रह बीस सेंट का वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि प्रोटेक्टेड रहना चाहिए अगेन देखो आई डोंट हैव अ क्रिस्टल बॉल कुछ भी हो सकता है कल को दोबारा से कोविड जैसा कुछ हो जाए कोई बहुत वॉर हो जाए कुछ भी हो जाए तो बी टी के नीचे चले जाए जिसकी संभावना कम है बट स्टिल देखो और रिस्क मैनेजमेंट अगेन एलोकेशन की मैं बात दोबारा करूंगा देखो मैं पर्सनली 50 परसेंट अगर लेके चलता हूँ वेब थ्री इंफ्रा में तो 5 परसेंट आठ परसेंट दस परसेंट एक मैं डालूंगा 10 परसेंट मान के चलो फाइल जैसे टोकन में मैं ज़्यादा भी डाल सकता हूँ आकाश में भी मैं हैवी हूँ क्योंकि आकाश को मैं एक डॉलर के आसपास सोच रहा हूँ एक बार एग्जिट लूँगा सिक्सटी सेवेंटी परसेंट क्वान्टिटी फिर इनमें डिवाइड करूँगा जब भी मेरे को मौका मिलता है तो देखो एलोकेशन बहुत ज़रूरी है ऑल इन नहीं जाना पाँच टोकन है आप सेफ साइड में क्या कर सकते हो अपना दस दस परसेंट बड़े टोकन में रह सकते हो दस बारह दस बारह परसेंट और जो स्मॉल कैप है उनमें आठ परसेंट छः परसेंट चाहे आप चाहो तो बराबर भी दस दस परसेंट सब में डाल सकते हो तो ऐसा क्या होगा डिवर्सिफाई हो जाएगा और अगर कोई फेल भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आकाश में भी डाउन साइड देखो जितने भी टोकन में डाउन साइड तीस चालीस परसेंट मैक्सिमम पचास परसेंट का है इससे ज़्यादा मुझे पर्सनली नहीं दिखता वो भी देखो मैं बाइंग मैं नहीं बताऊंगा मैं ऊपर का वैल्यूएशन आपको बताऊंगा कि ये इसका वैल्यूएशन हो सकता है अगेन इट्स अप टू यू आप दस सेंट पे, पे, पे लो एक सेंट पे लो या एक डॉलर पे लो इट्स अप टू यू आखिरी टोकन इस ग्रो इस लिस्ट का और इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा रिस्की टोकन है लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है ये हंड्रेड का टोकन है फिफ्टी टू हंड्रेड एक्स का पोटेंशियल है आकाश जो है वो बीस से पचास एक्स का पोटेंशियल है रेंडर भी बीस तीस एक्स का पोटेंशियल रखता है बीस तेईस एक्स का पोटेंशियल ग्राफ भी रखता है तो ऑन एन एवरेज बीस पच्चीस तीस गुना का पोटेंशियल इन सब टोकन्स में है जो कि अगेन जो मेरा थीसिस है वो ये है कि बिटकॉइन को तीन चार एक्स से आउट परफॉर्म करना है यानी कि बिटकॉइन यहाँ से पाँच गुना होगा और आपका अगर टोकन बीस गुना होगा तब जाके बात बनेगी मार्लिन पौंड को मैंने डिटेल में कवर किया है तो बहुत ज़्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है टोटल सप्लाई इसका आउट हो चुका है फोर्टी परसेंट जो सप्लाई है वो रिजर्व रहता है इसके ब्रिज के लिए जो एम पॉडर और, और पौन्ड का है तो ये दिखने के लिए दस बिलियन है बाकी मैं छः ही बिलियन मान के चलता हूँ जो फ्लोट होता है और उसमें भी कुछ स्टेकिंग रिवॉर्ड है तो फिफ्टी परसेंट ही मैं इसको मान के चलता हूँ रियल बट स्टिल विल टॉक अबाउट फुल्ली रिलेटेड वैल्यूएशन तो नाइन्टी फाइव मिलियन का है ऑलमोस्ट हंड्रेड मिलियन इसको लगा के चलते हैं 100 मिलियन एफ़ अगर ये 10 बिलियन एफ जाता है तो 100x होगा यानी कि एक डॉलर का इसका प्राइस जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती एक डॉलर ना भी जाए तो 50 सेंट मेरे को लगता है कि ये टोकन जा सकता है अगेन थोड़ा रिस्की है तो अपना मैनेजमेंट आप दे के करें मैंने लोकेशन तो अभी कम रखा है इसके अंदर तो मैंने आई थिंक पाँच इसमें डाला है बहुत तगड़ा पोटेंशल है बैकर्स भी अच्छे हैं और इन्होंने जो फंड रेज़ किया है आई थिंक थर्टी टू हंड्रेड बिलियन के एफडीवी के बीच में प्राइवेट इन्वेस्टर uh, से इन्होंने पैसा उठाया तो डाउन साइड आप देख सकते हो जो लो लगा था इसका पाँच छः सेंट छः सात सेंट उसके नीचे थोड़ा आप देखते हैं कि जाता है नहीं जाता बट चांसेस कम ही लगते हैं मेरे को तो आप इन सब टोकन्स पे बिल्कुल ध्यान बना के रखें ये पांच वेब थ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें गलत होने के चांसेस कम है अगर आप प्रॉपर डिवर्सीफाई करते हो ट्वेंटी का मेरे को ऑन एन एवरेज लगता है कि सब में रिटर्न मिनिमम मिलना चाहिए अगेन कोई गारंटी नहीं है होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिले और आप इन पांचों प्रोजेक्ट्स पे जाके देखें कौन क्या कर रहा है सारे टोकन्स की यूटिलिटी है इनके प्लेटफॉर्म पे और रियल है टेक्नोलॉजी रियल टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि क्रूशल है ब्लॉक और वेब थ्री के लिए तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे गाइज हैव अ ग्रेट डे